एपिसोड की शुरुआत में हम अस्पताल के अंदर गौन को देखते हैं, जिसकी हार्ट बीट तो नॉर्मली चल रही होती है लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसके पूरे शरीर के अंदर पट्टियाँ होती है और हर जगह से खून निकल के आ रहा होता है और उसी का डार्क नैन उसको ख़त्म कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हंटर एसोसिएशन का नैन एग्जोरसिस्ट आती है, जो एक लड़की होती है, और ये गौन की हालत देख के खुद भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो हैरान हो जाती है, उसको समझ में ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसका डार्क नैन इतना ज़्यादा भारी होता है कि ये उसको संभाल नहीं पाती और बोलती है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो भी मैं इस नैन को निकाल नहीं पाऊंगी, और ये डर के निकल जाती है यहां से। इसके बाद हम नकल को देखते हैं, जो फोन लाके मोरल को देता है और मोरल किलोआ से बात करके पूछता है कि तुम कैसे हो, और तभी किलोआ बोलता है कि मैं यहां पे ठीक हूं, मैं अभी आने वाला हूं, लेकिन गॉन कैसा है, और ये बताता है कि गॉन की हालत जैसी थी वैसी है, हमारी किस्मत ही फूटी हुई है, उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है। हमने उसको काइट के बारे में बताया लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद बहुत सारे लोग एक के बाद एक जाके अपने मन की बात कही लेकिन उसके बाद भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, और तभी किलोआ बोलता है कि मैं समझता हूं हम इस तरह से उसको ठीक नहीं कर सकते। इसके बाद मोरल बोलता है जरा धैर्य रखो किलोआ, तुमने ही तो बताया था कि गॉन ने सिर्फ रेस्ट्रिक्शन यूज किया है, तो फिर हम उसको बचा सकते हैं, नैन एग्जोरसिस्ट की मदद से हम ये सब कर सकते हैं, पहले हम ये सब ट्राई करेंगे, उसके बाद कोई रिस्की वाला काम करने के बारे में सोचेंगे। इसके बाद किलोआ बोलता है कि तुमने मेरी बातों को गलत समझ लिया, मैं कोई जुआ नहीं खेल रहा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि गॉन ठीक हो जाएगा, और यहां पे रिस्क भी बहुत कम है, नैन एग्जोरसिज्म में जितना रिस्क है उससे भी बहुत ज्यादा कम रिस्क यहां पे है, मैं यहां से सब संभाल लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं वहां पे पहुंचूंगा कैसे। और तभी मोरल बोलता है कि तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए, और अचानक से फोन कट जाता है। इसके बाद फोन से घोटो की आवाज आती है, जो बोलती है मुझे माफ करना मास्टर किलोआ, लेकिन आप हमारे सीक्रेट के बारे में बात कर रहे थे इसलिए मैं आपको बात करने नहीं दे सकता, और किलोआ बोलता है कि मैंने उन्हें कोई सीक्रेट नहीं बताया, और ये बोलता है कि नहीं आपने बताया, आपने मास्टर आलूका की पावर के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया, आप अभी भी जोल्डिक प्रॉपर्टी के ऊपर है लेकिन जैसे ही आप बाहर जाएंगे वैसे ही आपके ऊपर अलर्ट लेवल 4 लग जाएगा, तो फिर आप जरा अपना ध्यान रखना। इसके बाद किलोआ को समझ में आ जाता है कि घोटो जानबूझ के थोड़ी देर के लिए रुका ताकि ये मोरल को हिंट दे सके, और ये बोलता है तुम काफी सॉफ्ट हो घोटो, और घोटो बोलता है कि आप क्या कह रहे हैं मैं समझा नहीं। इसके बाद किलोआ सोचता है कि अलर्ट लेवल 4 यानी कि मैंने पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, और उसके बाद हमें लेवल 4 के बारे में बताया जाता है, इसके अंदर जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा होता है उसके साथ बहुत सारे बटलर और साथ में फैमिली के कुछ मेंबर्स उसकी निगरानी कर रहे होते हैं, छुप छुप के नजर रख रहे होते हैं, और अगर ये छोटी सी छोटी गलती करता है तो फिर वो बटलर और फैमिली मेंबर्स उसको उठा के लेके आएंगे और जोल्डिक प्रॉपर्टी के अंदर छोड़ देंगे, और उसके ऊपर लेवल 5 लग जाएगा। लेवल 5 में किलोआ घर से बाहर नहीं निकल सकता, और अगर ये गलती से जोल्डिक प्रॉपर्टी से बाहर चला जाता है तो फिर बटलर आएंगे इसको उठाएंगे और लेके सीधा पटक देंगे इसके घर के अंदर। इसके बाद किलोआ बोलता है कि रीजन क्या है, मैंने कोई गलती नहीं की, ना ही मैंने घर का कोई सामान लिया है, और तब घोटो बोलता है कि आप अपने माँ बाप के खिलाफ गए हैं, आपने उनको डराया और आलूका को लेके चले गए, और तब किलोआ जोरों से बोलता है कि आलूका कोई चीज नहीं है। इसके बाद घोटो बोलता है कि आपके ऊपर 3 रेस्ट्रिक्शन है, पहला आप बिना परमिशन के किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से कोई एक्सचेंज नहीं कर सकते, और ना ही आप अपने पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि मोबाइल आप रख सकते हैं, और तब किलोआ बोलता है कि हाँ जब मैं गेट से बाहर निकला तभी उन्होंने मेरा डिवाइस ले लिया। इसके बाद गोटो बोलता है दूसरा आपको आलूका के 1 मिनट के अंदर ही रहना होगा, और किलोआ बोलता है कि हाँ हाँ मुझे भी पता है, मैं भी उसको आंखों से दूर नहीं करना चाहता। इसके बाद गोटो बोलता है तीसरा आलूका की पावर के बारे में किसी बाहरी इंसान को पता नहीं लगना चाहिए, और किलोआ बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, और उसके बाद ये कैनरी और गोटो को अपने साथ ले लेता है ताकि इसको हर बार परमिशन ना लेना पड़े। इसके बाद किलोआ बोलता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, जो भी अरेंजमेंट करना है तुम करोगे, और तभी गोटो बोलता है कि मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों, लेकिन कैनरी क्यों है, और उसके बाद किलोआ बोलता है बेवकूफ कहेंगे आलूका एक लड़की है और उसका ध्यान कौन रखेगा, तुम जैसा गधा तो रख नहीं पाएगा। इसके बाद एक बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, और हम देखते हैं कि सामने से 2 बटलर आते हैं जिनमें से एक बूढ़ी औरत होती है और एक जवान होती है, और ये बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ क्योंकि मास्टर सिल्वा को भरोसा नहीं है कि कैनरी और गोटो काफी होंगे। किलोआ उस बूढ़ी औरत को देख के डर जाता है और बोलता है सुबो ने, और हम देखते हैं कि ये बूढ़ी औरत सच में बहुत ज्यादा ऊंची होती है, और ये बोलती है कि तुमने अपने पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, और किलोआ बोलता है कि कोई बात नहीं लेवल 4 पे हूं मैं कोई गलती नहीं करने वाला। इसके बाद सुबो ने बोलती है डियर किलोआ जरा ध्यान रखो, मैं गोटो और तुम्हारी पापा की तरह नरम दिल नहीं हूं, तुमने एक छोटी सी गलती की और मैं तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर ही पटक दूंगी, कुछ भी नहीं बदलने वाला, तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे या फिर भागने की तो फिर मैं तुम्हें नॉकआउट कर दूंगी, इसको अपने दिमाग के अंदर रखो, तुम समझ गए। और किलो बोलता है यस यस मैं समझ गया। इसके बाद हम गोटो को देखते हैं जिसके पसीने छूट चुके होते हैं, और ये बोलता है कि मास्टर सुवन है एक ऐसी इंसान है जो मास्टर किलोआ को डियर किलोआ के नाम से पुकार सकती है। इसके बाद आलूका किलोआ और सुवन के बीच में आती है और बोलती है कि मेरे भाई को परेशान करना बंद कर दो, और तब सुवन बोलती है कि मुझे माफ कर दो डियर आलूका, मैं ऐसा फिर से नहीं करने वाली,
वाली और तभी हिलवा बोलता है कि अब मुझे याद आया मैं बूढ़ी औरतों को झेल नहीं पाता और यहाँ पे ये सिर्फ सुबोनी की बात नहीं कर रहा, ये बिस्की की बातें भी कर रहा है। इसके बाद सुबोनी झुक के बोलती है आलूका से, क्या तुम अपने भाई से प्यार करती हो? और आलूका बोलती है कि बहुत ज्यादा। इसके बाद सुबोनी बोलती है फिर तो ये जैसा कहेगा तुम वैसा ही करोगी, और आलूका हाँ भरती है। इसके बाद हम कैनरी को देखते हैं जो सोचती है कि मास्टर किलुआ को मेरी मदद की जरूरत है अपने दोस्तों को बचाने के लिए, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं मास्टर किलुआ की मदद करके ही रहूंगी, चाहे इसमें मेरी जॉब चले जाए या फिर मेरी जान ही क्यों ना। तभी दूसरी बटलर इसके पास आके बोलती है कि मेरा नाम अमाने है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और ये बोलती है कि मेरा नाम कैनरी है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन तभी आलूका बोलती है सुबोनी मुझे अपने पिंकी फिंगर का नाखून दे दो, जिसको सुनने के बाद सबके सब हैरान हो जाते हैं। और किलुआ सोचता है कि इसने अभी रिक्वेस्ट कर ली, ये तो सबसे बुरा वक्त है रिक्वेस्ट करने का, यहाँ तक तो मुझे भी नहीं पता कि ये कब किसको और क्या रिक्वेस्ट करेगी। और तभी सुबोनी बोलती है कि ठीक है, और ये अपना नाखून उखाड़ती है और आलूका को दे देती है। इसके बाद सब हैरान हो जाते हैं और सुबोनी बोलती है मास्टर किलुआ मैं थोड़ी देर के लिए छुप जाती हूँ ताकि आलूका किसी और से कोई रिक्वेस्ट ना कर सके, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगी, अगर तुम कुछ गड़बड़ी करती हो तो फिर सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्या तुम समझ गए? और इसके बाद अचानक से वो गायब हो जाती है। इसके बाद आलूका बोलती है कि मुझे और भी रिक्वेस्ट करनी थी, और किलुआ सोचता है कि इसने ये बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी मेरे पास मौका है। ये सच है कि मैं आलूका से कोई विश नहीं मांग सकता, लेकिन मैं अभी भी आलूका को कमांड दे सकता हूँ। इसके बाद आलूका किलुआ का शर्ट खींचती है और बोलती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? और तब ये स्माइल करता है और अपने सर हिला के बोलता है कि नहीं। और इसके बाद ये अपना हाथ उसके सर के ऊपर रखता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद ये दिल में सोचता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसके बाद हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर आलूका किलुआ और बाकी सब बटलर होते हैं, और तभी फोन आता है किसी का, वो भी किलुआ के मोबाइल से, लेकिन वो मोबाइल होता है गोटो के पास, और गोटो उसका आंसर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ये बातें नहीं बता सकता, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें अपना नाम बताना होगा, और नाम बताने से पहले ही गोटो फोन काट देता है। इसके बाद हम लियोरियो को देखते हैं जो फिर से कॉल करता है, यानी कि लियोरियो ही गोटो से बातें कर रहा होता है, और ये गहरी सांस लेता है और चिल्ला के बोलता है कि मेरा नाम लियोरियो है। यहाँ पे मेलोडी और मोरल भी होते हैं जिनके कानों के पर्दे फट चुके होते हैं, और लियोरियो चिल्ला के बोलता है कि किलुआ को फोन दो। यहाँ पे गोटो के भी कान के पर्दे फट जाते हैं और ये बोलता है कि मुझे याद आ गया मास्टर लियोरियो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मिले हो। इसके बाद लियोरियो बोलता है कि हाँ मुझे भी याद आ गया, तुम तो वही कॉइन वाले बंदे हो ना? और ये बोलता है कि हाँ। और आगे गोटो बोलता है कि किलुआ और हम अभी रास्ते में हैं और हम आ रहे हैं गॉन को ठीक करने के लिए, लेकिन हमारे कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं, तुम्हें उन सबको मानना होगा। और तभी लियोरियो बोलता है क्या तुम अभी भी सो रहे हो? अगर तुम्हें उठाने के लिए मेरी आवाज काफी है तो फिर मैं और तेजी से चिल्ला सकता हूँ। इसके बाद गोटो बोलता है अपना मुंह बंद रखो, और लियोरियो बोलता है क्या कहा तुमने? और उसके बाद गोटो बोलता है कि किलुआ अपनी जान की बाजी लगा रहा है, वो अपने फैमिली के खिलाफ जाके ये सब कर रहा है, और तुम्हें पता होगा कि जोल्डिक फैमिली कितना ज्यादा स्पेशल है, हमने खुद ये कंडीशंस बनाए हैं, तो अपना मुंह बंद रखो, बेवकूफों की तरह बातें करना बंद कर दो। इसके बाद किलुआ बोलता है गोटो, और ये बोलता है मुझे माफ करना मास्टर किलुआ। और आगे किलुआ बोलता है कि मुझे उससे बात करने दो, इस तरह से जल्दी हो जाएगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं कोई गड़बड़ी नहीं करने वाला, मुझे पहले ही अलर्ट लेवल 4 पे रखा गया, तो अगर मैं कुछ भी गलती करूंगा तो फिर तुम मुझे घर भेज दोगे, मुझे पता है, घबराओ मत। इसके बाद किलुआ को फोन मिल जाता है और किलुआ लियोरियो से बात करता है। लियोरियो तो पहले बोलता है कि किलुआ जब मैं वहां पे पहुंचूंगा तो सबसे पहले मैं गोटों की गोटियां फोड़ दूंगा। इसके बाद लियोरियो शांत होता है और बोलता है कैसे हो तुम किलुआ? और किलुआ बोलता है कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं कुछ ज्यादा बता नहीं सकता, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा, वैसा ही करो जैसा गोटो कहता है। इसके बाद लियोरियो बोलता है ठीक है मैं समझ गया, उसको फोन दो। और इसके बाद हम देखते हैं मोरल को जो बोलता है कि मुझे मोबाइल दो, मैं कंडीशन के बारे में पूछ लेता हूं। और लियोरियो बोलता है कि तुम तो मोरल हो ना, ये मोबाइल मेरा है, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें क्यों दूं? इसके बाद मोरल बोलता है कि बहुत अच्छा सवाल है, अब मोबाइल मुझे दे दो, मुझे बातें करने दो। और तब लियोरियो बोलता है चल बक। इसके बाद मोरल बोलता है ठीक है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि थोड़ी देर बाद तुम चिल्ला के बोलोगे कि ये नामुमकिन है, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो फिर अपना मोबाइल मुझे दे देना, क्योंकि उस नामुमकिन चीज को मैं मुमकिन कर सकता हूँ। इसके बाद लियोरियो गोटो से कंडीशन के बारे में पूछता है, और गोटो बोलता है कि जब हम वहां पे पहुंचेंगे उस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ गोन होना चाहिए और कोई भी वहां पे नहीं होना चाहिए। और तब लियोरियो पूछता है कि डॉक्टर्स का क्या? और ये बोलता है कि डॉक्टर्स भी नहीं होने चाहिए। और इसके बाद ये फिर से पूछता है कि पेशेंट का क्या? और ये बोलता है कि पेशेंट भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इसके बाद लियोरियो अपना आपा खो देता है और चिल्ला के बोलता है कि ये नामुमकिन है, ये एक पब्लिक हॉस्पिटल है, तुम्हें पता भी है यहाँ पे कितने ज्यादा पेशेंट्स हैं। और तभी इसके बाद मोरल अपना हाथ लियोरियो की तरफ बढ़ाता है और लियोरियो गुस्से में इसको मोबाइल दे देता है। आगे मोरल सब संभाल लेता है, वो कंडीशन को समझता है और बोलता है कि मैं समझ गया, मैं सब संभाल लूंगा, तुम मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ सकते हो। और तभी गोटो बोलता है कि तुम्हारा प्लान क्या है? और मोरल बोलता है कि ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और साथ में इसके पास एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट भी है, और वहीं पे हम एक प्राइवेट रूम सेट करेंगे गॉन के लिए, जहां पे तुम आ जा सकते हो, वहां पे हम बंदोबस्त कर देंगे
देखेंगे कि तुम्हारा कार अंदर तक आए और वहाँ से तुम आसानी से बाहर भी निकल जाओ। और अंदर तुम सब क्या कर रहे हो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्या इतना काफी होगा? और तब गोटो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और मोरल बोलता है कि मेरा नाम मोरल है। आगे गोटो बोलता है कि आगे से जो भी बातचीत होगी तुम ही करोगे। इसके बाद मोरल फोन करता है और बोलता है कि लो हो गया, और तब बोलता है कि मुझे एक और कॉल करना है। और यहाँ पे लियोरियो अभी भी गुस्से में होता है। इसके बाद ये नोव को फोन करता है और बोलता है कि सिचुएशन अभी बदल चुकी है, हमें एक बाहर रूम के अंदर सारे इक्विपमेंट को लेके जाना होगा ताकि वहां से हम सब कुछ ऑपरेट कर सके, लेकिन वहां पे मॉनिटर नहीं होना चाहिए और ना ही कोई विंडोज होने चाहिए। ऐसा लगता है कि किलुआ के पास कोई नैन एग्जोसिस्ट है जो नहीं चाहता कि उसको कोई देखे, लेकिन किलुआ जिस तरह की बातें कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि शायद उसके पास कुछ खास है। हंटर एसोसिएशन के एग्जोसिस्ट ने साफ मना कर दिया, उसने साफ कह दिया कि गॉन की मदद नहीं की जा सकती, उसको बचाया नहीं जा सकता, लेकिन किलुआ बोलता है कि वो उसको ठीक कर सकता है बिना किसी रिस्क के। किलुआ ने कहा कि वो सब संभाल लेगा, और हम जब फील्ड में होते हैं तब हमें अपने दोस्तों की बातों को मानना चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए। इसके बाद ये फोन काट देता है और लियोरियो को दे देता है। और आगे लियोरियो बोलता है कि अब से किलुआ से जो भी बातचीत होगी उसको तुम ही करोगे, मुझे कुछ लोगों से जाके बातचीत करनी है। आगे ये निकल जाता है और हम देखते हैं लियोरियो को जो किसी को फोन कर रहा होता है, और ये सोचता है कि कम ऑन यार, गॉन अपनी जान की बाजी लड़ रहा है, तुम फोन कैसे नहीं उठा सकते, कुरापिका फोन उठाओ। इसके बाद हम कुरापिका को देखते हैं जिसका मोबाइल बज रहा होता है, और कुरापिका थोड़ा सा उदास दिख रहा होता है और ये कुछ भी नहीं करता। इसके बाद लियोरियो हंटर एसोसिएशन की तरफ देखने लगता है, जहां पे पेरिस्टन की आवाजें हम बैकग्राउंड में सुन सकते हैं जो भाषण दे रहा होता है, और लियोरियो अब वहीं पे जाने वाला है। इसके बाद हम पेरिस्टन को देखते हैं जो भाषण दे रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा वोट बेकार नहीं जाएगा, तुम्हारा वोट बहुत ही ज्यादा कीमती है, जोड़ी एक चेयरमैन नेतृत्व की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे बिना, तुम्हारे वोट के बिना ये नहीं हो सकता। मुझे पता है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ लोग चाहते होंगे कि लीडर चेंज हो जाए, लेकिन मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या अगर तुम वोट नहीं दोगे ऐसा बदलाव हो सकता है? ऐसा बदलाव सिर्फ तुम्हारे वोट करने से ही होगा। अगर यहाँ पे कोई अपना ओपिनियन रखना चाहता है तो यहाँ पे आओ और बोलो, चाहे तुम्हारा ओपिनियन पॉपुलर हो या फिर ना हो, लेकिन हम उसको सुनेंगे। एग्जाम्पल के लिए तुम जिंक को देख सकते हो, ये हर साल पता नहीं कितनी सारी गलतियां करता है, लेकिन इसके बावजूद ये एक जोड़ियक का मेंबर है। अगर तुम वोट नहीं देना चाहते तुम इसको ही वोट दे दो, लेकिन इस गंदे जोक के ऊपर कोई भी नहीं हंसता, सबके सब सीरियस होते हैं। और आखिरी में पेरिस्टन बोलता है कि ये सिर्फ एक मजाक था। आगे पेरिस्टन बोलता है कि चेयरमैन नतरे ने हमें एक आखिरी मिशन कंप्लीट करने के लिए दिया है, और उसके लिए हम सबको एक साथ काम करना होगा। इसके बाद पायोन बोलती है कि वाइस चेयरमैन आपका कंप्लीट हो चुका है भाषण, आप अपने सीट पे आके बैठिए जल्दी। इसके बाद पायोन बोलती है कि किसी को कुछ सवाल करना है या फिर कुछ कहना है तो फिर कह सकता है, और तभी लियोरियो अपना हाथ खड़ा करता है और पायोन बोलती है कि हाँ काले सूट वाले लंबे लड़के, तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो। इसके बाद सब लियोरियो की तरफ देखने लगते हैं और लियोरियो बोलता है कि मेरा नाम लियोरियो है, मैं 287वें क्लास से हूं, मैं जिंक से सवाल करना चाहता हूं, और दिल में सोचता है कि यही कमीना है गॉन का बाप। इसके बाद लियोरियो बोलता है कि तुम गॉन से मिलने क्यों नहीं गए, तुम्हें तो पता होगा कि उसकी कंडीशन कैसी है। और गॉन का नाम सुनने के बाद सब इधर उधर देखने लगते हैं, सब सोचते हैं कि गॉन कौन है, जिंक का उसके साथ रिश्ता क्या है, उसकी हालत कैसी है वगैरह वगैरह। और तभी पायोन बोलती है चलो आंसर को सुनते हैं। इसके बाद जिंक हाथ खड़े करता है और बोलता है कि तुम्हारा गॉन के साथ क्या रिश्ता है, और लियोरियो बोलता है कि वो मेरा दोस्त है। आगे जिंक बोलता है कि सुन के बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है कि तुम आगे भी ऐसे ही दोस्त बने रहोगे, बस मुझे इतना ही कहना था। और ये अपना माइक रख देता है, और तभी लियोरियो बोलता है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था, जाओ देख के आओ, एक बार तो गॉन को देख के आओ। और तभी जिंक बोलता है कि तुम्हारी तरह उसके और भी कुछ दोस्त है ना, उतने काफी हैं। इसके बाद लियोरियो चिल्ला के बोलता है कि बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता भी है वो कितना ज्यादा तरसता है तुम्हें देखने के लिए, जाओ उससे बात करो, क्या पता वो ठीक हो जाए उससे। और तब जिंक बोलता है कि क्या उसने तुम्हें कहा कि मैं उससे जाके मिलूं, क्या उसने तुम्हें कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है, अगर वो चाहता तो फिर वो बोलता नहीं। और तभी लियोरियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये बोलता है कमीने, और एक जोरदार नन से भरा हुआ धमाकेदार पंच मारता है उस टेबल के ऊपर, जिसकी वजह से उस टेबल के चित्रे चित्रे उड़ जाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि लियोरियो की ऑरा की वजह से एक ब्लैक होल जैसा बनता है और वहां से एक बिजली की रोशनी जैसे तेजी से निकल के जाती है जो जिंक के सामने निकलती है, और उसके टेबल के सामने एक पोर्टल खुलता है जहां से लियोरियो का हाथ बाहर निकलता है और जिंक के थोबड़े पे लगता है और जिंक हवाई यात्रा करने लगता है। इसके बाद लियोरियो चिल्ला के बोलता है कि कमीने जाके नर्क में मर। बाकी सारे हंटर्स लियोरियो को सपोर्ट करते हैं, चीखते चिल्लाने लगते हैं, उनको बहुत अच्छा लगा लियोरियो का पंच देख के। इसके बाद पायन बोलती है कि आज की मीटिंग और ये फुटेज तुम्हें हंटर साइड पे मिल जाएगी, जाओ अपने दोस्तों को बताओ कि यहां पे क्या हुआ, उनको बताओ कि इस वीडियो को देखे, और उनसे बोलना कि ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों ये एपिसोड मेरे लिए काफी खास था क्योंकि यहाँ पे लियोरियो आया और लियोरियो चारों तरफ छाया। और दोस्तों कुछ बातें करना चाहता हूं, जैसे कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आजकल तो इग्नोर करने लगा। नहीं भाई,
आजकल देखो इग्नोर नहीं कर रहा, बस काम थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है जिसकी वजह से मैं कभी कभार मैसेज नहीं पढ़ पाता, कभी कभार पढ़ने के बाद सिर्फ हार्ट रिएक्ट करके निकल जाता हूँ, तुमने देखा ही होगा। और दोस्तों अपलोड करने के 12 घंटे बाद जाके मैं कमेंट को चेक करता हूँ ताकि ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं सबको एक साथ रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि एक एक करके कभी कभार करके मैं इस तरह से सारे कमेंट को रिप्लाई नहीं कर सकता, कभी कभार मुझसे कुछ कमेंट छूट जाते हैं, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा एनिमे तुम एक्सप्लेन करोगे, मैं वही एक्सप्लेन करूंगा जिसको तुम चाहते होगे। हम एक वोट करेंगे जिसके अंदर एनिमे के नाम होगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन सच बताऊं तो मैं कोई लंबा एनिमे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। और रही बात चेंसो मैन की, तो ये सीरीज अभी अभी चालू हुआ है, इसके 2 ही एपिसोड निकले हैं और नेक्स्ट एपिसोड आपको 25 में मिल जाएगा, तो 26 में एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने को मिल जाएगा। हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो आ सकती है और क्योंकि वो खुद ही नहीं दे रहे तो मैं कहां से लिखे आऊंगा। और मुझे लगता है कि हंटर सीरीज खत्म होने के बाद मुझे एक Q&A वीडियो बनाना चाहिए जहां पे आपके जो भी डाउट होंगे हंटर के ऊपर या फिर कोई मेरे बारे में जानना चाहता है तो मैं उसके सवालों का जवाब दे सकता हूं। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करो, 8-10 दिन बाकी है अभी। तो दोस्तों बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है आपको पता है तो जल्दी से कर दो।